हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसल्टेंसी हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको एडवर्टाइजिंग वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ। उसमें कल से हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, जो कि है नया टॉपिक स्टार्ट किया है एडवर्टाइजिंग में, जो कि था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो कल को मैंने आपको नाइन्थ पॉइंट तक आपको सारी करेक्टरिस्टिक्स समझा दी थी। आई होप आपने कल वाली क्लास देखी हो। आज हम बाकी की करेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टेंथ करेक्टरिस्टिक्स से हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। इट डिसमिनेट्स इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कंज्यूमर। डिसमिनेट्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से प्रमोट करना, ठीक है ना। प्रमोट आप हिंदी में बोल सकते हैं प्रचार करना, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन पहुंचाना कस्टमर तक। किसकी इंफॉर्मेशन? प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सर्विस की इंफॉर्मेशन। जिस चीज़ में भी आपकी कंपनी डील करती है, जो भी वो सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है, उन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन, जानकारी वो कहाँ तक पहुँचाते हैं? कस्टमर्स तक, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। 11th is it supplement the voice and personality of an individual salesman. It is a salesmanship in print. देखो यहाँ पे बोल रहे हैं it supplements the voice and personality of individual salesman. देखिए बहुत ही ज़्यादा normal सी चीज़ है, जब TV पे किसी चीज़ का ad आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनी का ऐड आ रहा है, ठीक है। तो आपका मन हुआ कि वो प्रोडक्ट आप लें, तो आप अपने एरिया में गए, अपने सिटी में गए, और उधर आपने देखा कि हाँ यहाँ पे ये वाले प्रोडक्ट इन शोरूम में मिल रहे हैं। तो देखो सेल्समैनशिप का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी ब्रांड है, जैसे एप्पल की ब्रांड है, ठीक है ना। आप आईफोन वगैरह देखने गए, तो जब आप शोरूम में गए तो वहाँ पे जो सेल्स पर्सन है, ठीक है, तो क्योंकि एक वो ब्रांड से हमें पता चलता है कि उनके जो सेल फोर्स हैं, जो उस शोरूम में काम कर रहे हैं, उनकी स्किल्स कैसे होगी, उनका बात करने का तरीका या उनका बिहेवियर कैसा होगा, ये हमें पता होता है। क्योंकि अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं, तो उनके वेल ट्रेन सेल्स फोर्स उनकी अवेलेबल होती है शोरूम पे। तो कहने का मतलब यही यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्सनालिटी पता चल जाती है हमें कि अगर अच्छी कंपनी है तो स्टाफ भी अच्छा होगा। तो एक पर्सन की हमें पर्सनालिटी वगैरह सब कुछ हमें समझ में आ जाती है, ठीक है, कि ये लोग हमें ऐसे ट्रीट करेंगे। कभी कभार क्या होता है, जब हम किसी शोरूम पे जाते हैं अच्छी ब्रांडेड कंपनी के, तो हमें डर होता है। मतलब जैसे अगर कोई मिडिल क्लास इंसान वहाँ पे जाता है, तो हमें डर होता है पता नहीं हाई फाई इंग्लिश ना बोलने लगे, ठीक है, तो हम कैसे जवाब देंगे, ठीक है। तो होता ही है, मतलब सबका अपना अपना एक वो मतलब एक तरह से फोबिया होता है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे यही है, इट सप्लीमेंट द वॉइस एंड पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल सेल्समैन। तो यहाँ पे ये ही बात बोल रहे हैं, आप किसी अच्छी कंपनी के ब्रांडेड शोरूम में आप जाते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ की सेल्स फोर्स कैसी होने वाली है। जो वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वहाँ पे जो टीम बैठी है, वो अच्छी होगी, अच्छी उसकी नॉलेज होगी, अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। फिर होता है आपका 12th पॉइंट, जो कि है इट इज़ एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू डिफरेंट मीडिया to inform the customers about the product and its features. कहने का मतलब ये है कि जो जो एडवर्टाइजिंग होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताते हैं थ्रू डिफरेंट मीडिया। आप कोई सी भी मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। To inform the customers about the product and its features, ठीक है। तो इसमें यही है, आपने एक 11th जो मैंने अभी आपको इस इट सप्लीमेंट द वॉइस वाला जो ये वाला पॉइंट है ना, इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करनी है कि एडवर्टाइजिंग मतलब जब हम ऐड देखते हैं TV पे, तो लोगों तक वो चीज़ पहुंचती है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में वो सारी चीज़ें पहुंच जाती है। तो अब जो दुकानदार हैं, जो सेल्स पर्सन हैं, उनके लिए इजी हो जाता है प्रोडक्ट को बेचना, क्योंकि कस्टमर को ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में पता है, ऑलरेडी वो अट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जो सेल्समैन होते हैं, जो सेल्स फोर्स होती है, उनको यहाँ पे ज़्यादा अपनी एनर्जी लगानी नहीं पड़ती, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी हो सकती है। फिर होता है आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है इट कैरीज द मैसेज ऑफ द मैन्युफैक्चर
और द सेलर टू द टारगेट ऑडियंस फॉर विच इट इज इंटेंडेड। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो भी मैसेज मैन्युफैक्चर या जो सेलर है प्रोडक्ट का जो वो कस्टमर तक तो पहुँचाना चाहता है वो पहुँचा सकता है। 14th होता है आपका, इट इज़ एन असेंशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो एडवर्टाइजमेंट को एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का मेथड माना गया है। अगर आप किस केस में ज़्यादा एडवर्टाइजिंग की इम्पॉर्टेंस है कि अगर आप एकदम नया ही प्रोडक्ट बिल्कुल नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो उसकी एडवर्टाइजिंग अगर आप करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये बच्चे भी करैक्टरिस्टिक्स थे। आज की क्लास में बस इतना ही है, कल को है संडे, कल को हमारी क्लास ऑफ रहती है आप सब जानते हैं, तो हम मंडे से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग वाला चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो आराम आराम से हम करेंगे। मेरा मेरी साइड से यही हमेशा रहता है, चाहे मैं आपको कम पढ़ाऊँ लेकिन जितना भी पढ़ाऊँ आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होती है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में, तब तक के लिए बाय।